डिजिटल असेट का डेफिनेशन 247 कैपिटल ए में दिया गया है फाइनेंस बिल का। तो इसमें क्रिप्टोग्राफिक मीन्स में कोई आपको फॉर्मूला, कोई इंफॉर्मेशन या कोई कोड अगर कोई जेनरेट करता है और वो ट्रांसमिट हो सकता है इलेक्ट्रॉनिकली और जिसका एक इनहेरेंट वैल्यू होता है, वो सब डिजिटल असेट में इंक्लूड होंगे। इसमें नॉन फंजिबल टोकन्स ऑल्सो दैट ऑल्सो विल बी इंक्लूडेड। सो डिजिटल असेट का डेफिनेशन, वर्चुअल डिजिटल असेट का डेफिनेशन आपको इनकम टैक्स एक्ट में ही मालूम पड़ेगा और उसका जो टैक्सेशन प्रोविजन्स हम लोग रखे हैं 115BBH में और इसका TDS प्रोविजन्स आपको 194S में मिलेगा। तो एक थ्रू थ्री डिफरेंट प्रोविजन्स ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द डेफिनेशन, द चार्जिंग एंड द TDS, दे आर बीन वर्कड आउट। जो रिटर्न नहीं फाइल करता है बट हैवी ट्रांजेक्शन्स उस अकाउंट्स में है, लेकिन ये किसके लिए कर रहा है, वो क्या प्रॉक्सी है किसी दूसरे का, बेनामी है, इसको फाइंड आउट करना हमारा लक्ष्य है और ये लेजिस्लेशन हमको हेल्प करेगा टू फाइंड द रियल इन्वेस्टर्स बिहाइंड द ट्रेड्स व्हिच हैव बीन कंक्लूडेड। तो सर टैक्स तो लगेगा 1 अप्रैल से, इसके जी पहले अगर कोई बेचता खरीदता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, उस पर क्या मैकेनिज्म इनकम टैक्स लागू करेगा? टैक्स पेयर्स एंड टैक्स प्रोफेशनल्स अभी तक जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किए हैं या एडवाइस दिए हैं, कोई नहीं बोल रहा है कि ये टैक्सेबल नहीं है।